फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चलते ही अरिजीत में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-2021 जनरल इंग्लिश 12th क्लास का। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलाना है कि यही क्वेश्चन हैं आपके पेपर में या नहीं, इसके बाद ही आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो को बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, इनका मैंने डायरेक्ट ही आपको आंसर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन तक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर यह 8वां क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड। तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक ही आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए इनके अगले क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्या है। तो 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। तो उनके आंसर है ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पहले अनसीन के क्वेश्चंस के आंसर थे। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर समरी राइटिंग है फ्रेंड्स, नोट्स मेकिंग, टाइटल वगैरह बनाना है। तो इसका ये रहा आपका सल्यूशन, आप इसको देख लीजिए ढंग से या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है इसके बाद, तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बी सेक्शन का है फ्रेंड। तो बी सेक्शन में हमें एक पोस्टर का डायग्राम बनाना है, पोस्टर बनाना है यहाँ पर, या फिर इस न्यूज़पेपर के बारे में कुछ लिखना है फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट देना है। तो हमने यहाँ पर सेनो टू ड्रग्स का ही पोस्टर बना के आपको दिखाया है कि कैसे आपको बनाना है। तो आप इसको देख लीजिए और फिर आपका इसका आंसर अपनी कॉपी पर लिख देना है। देख लीजिए कैसे बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वो यहाँ पर लिखा होगा आपको, रिपोर्ट के बारे में दिया होगा, रिपोर्ट लिखनी है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर। तो ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आंसर है आपका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। तो स्पोर्ट्स एंड गेम जो रिपोर्ट है ये उसका आंसर दिया है, आप इसको देख लीजिए ढंग से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा, ये उस वाले का आंसर है आपका, मेल फंक्शनिंग की रिपोर्ट दी होगी, मतलब मेल फंक्शनिंग का लेटर दिया होगा। तो ये मेल फंक्शनिंग यहाँ पर दिख रहा है, आप उसी के क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे ढंग से देख लीजिए फ्रेंड, लीजिए फ्रेंड, ये रहा आपका इसका स्क्रीनशॉट, ढंग से देखिए या फिर इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम खराब किए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उसमें आपको सिस्टर मैरिज या ब्रदर्स मैरिज की एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन नहीं फ्रेंड, लेटर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये लेटर दिया हुआ है, उसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है फ्रेंड, ये अभी तक के 6 तक के क्वेश्चन के आंसर थे। तो 7वें वाले में हमें अथवा वाले क्वेश्चन को देखना है, इसमें हमें क्या है फ्रेंड, पहले वाले में साइंस का निबंध लिखना है, दूसरे वाले में कोविड-19 का, और तीसरे वाले में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तीसरे वाले में ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, इनमें से किसी पर भी आप एक निबंध लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इसका भी सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में जाकर मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 8वां। तो 8वें वाले का आपको आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको इनमें से कितने, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कितने करने हैं, यानी 5 का आंसर ही देना है। तो ठीक है, 5 ही करने हैं, इसमें बहुत से दिए हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो पहले वाले में हमें आपको क्या भरना है, हमें पहले वाले में भरना है मैनी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे वाले में भरना है एन, तीसरे वाले को छोड़ दीजिए, चौथे वाले में भरना है हमें टू। ठीक है फ्रेंड्स, और पाँचवें वाले में हमें क्या भरना है, पाँचवें वाले में भरना है मैनी। ठीक है, और छठे वाले में क्या भरना है फ्रेंड, यहाँ पर टू गो। ठीक है, आप चाहें तो सातवें वाले को भी देख लीजिए, सातवें वाले में क्या भरना है, सातवें वाले भरना है जी फॉलन, ये बैक बी वाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिए। तो यहीं पर इन्हीं को यही भरना है आपको, एक बार और सुन लीजिए अब क्यों, क्या क्या भरना है, पहले वाले में मैनी, दूसरे वाले में एन, तीसरे वाले को छोड़ दिया गया है, पाँचवें में तीसरे वाले को छोड़ दिया, चौथे वाले में आपको टू, पाँचवें वाले में आपको मैनी, और छठे वाले में आपको टू प्ले, और सातवें वाले में आपको फॉलन। पाँच ही करना है तो पाँच ही लिखना फ्रेंड, पूरे का आंसर मत लिख देना। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका 9वां क्वेश्चन। तो इसके मैंने आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ये देखिए आप यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये रहे आपके इसके आंसर रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स
सबके आंसर यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके आंसर दिखाई दे रहे हैं सबके आपको नोट डाउन करना है। केवल इसमें भी आपको एनी फाइव ही चॉइस करना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, पाँच से ज़्यादा नहीं करना है, तो कोई पाँच ही करने हैं, आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है डी, ठीक है, सेक्शन डी है फ्रेंड। सेक्शन डी से आपका दसवां क्वेश्चन है। दसवें क्वेश्चन में आपसे एक एक्स्ट्रैक्ट दिया गया है, तो आप इस है आपका दसवें क्वेश्चन में आपको इसके आंसर प्रोवाइड करने हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, पहले मैं पूछा आपका कि राइटर कौन है इस पोएम के, तो इसके राइटर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आपका आंसर है WH डेवी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बी ऑप्शन में फ्रेंड, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन से क्या पूछा है, स्टर्ब का मतलब पूछा है, मीनिंग ऑफ मतलब अर्थ क्या है इसका। स्टर्ब ऑफ मतलब इसका हो डाई ऑफ हंगरी, मतलब भूख से मरना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर दूसरे वाले का आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, तो इसका आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11वां जो दिया है वो क्या है, ठीक है फ्रेंड। इसका पहले 10वें का बी भी देख लेते हैं, बी क्या है, फिर 11वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा है आपसे कि टॉप का अपोजिट क्या होता है। टॉप का होता है फ्रेंड मतलब बॉटम का पूछा है, तो बॉटम का होता है आपका टॉप, ठीक है फ्रेंड। टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप होता है अपोजिट, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या है आपका, टॉप, यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसमें से पूछा है आपको राइमिंग, तो राइमिंग वर्ड समझ लीजिए फ्रेंड क्या होते हैं, आप रटना मत सीखिए, क्योंकि अभी तो आपको रट लेंगे फिर उसके बाद बार्षिक वगैरह पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो लास्ट में एक सी ध्वनि निकलनी चाहिए, उसे राइमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि ट्री, जैसे इसमें भी पूछा है अभी, तो इसमें क्या पूछा जाए, ट्री, तो ट्री, ट्री से सेम होता हुआ क्या है, मी। जैसे कि और भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे मान लो अगला अगर आपसे पूछ लिया सिंग, तो सिंग के समान ध्वनि होनी चाहिए ऑप्शन में, उसी से जैसे मान लीजिए ऑप्शन में अगर बिंग दिया है, तो इधर सिंग इधर बिंग, इन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड, समान ध्वनि वाले, जो एक सी ध्वनि उत्पन्न करें, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, नेम द पोएम एंड नेम द पोएट, ठीक है फ्रेंड। इस कविता का आपसे पूछा है कि इस कविता के लेखक कौन हैं और कविता का नाम क्या है, तो इस कविता का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड। क्या है, वंडरफुल, WONDER, वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड। कविता का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है, और इसके लेखक कौन हैं आपके, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। इसके लेखक हैं आपके, जो पहले ही पता होगा आपको, बस हो रहे हैं विलियम ब्राइटी रेंट्स, ठीक है फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 11वां। 11वें में हमें क्या करना है फ्रेंड, 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें से किन्हीं दो क्वेश्चन के ही आंसर आपको यहाँ देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है NE2, मतलब चार में से केवल दो क्वेश्चनों के ही आंसर लिखने हैं। तो ये रहे आपके दो क्वेश्चनों के आंसर, तो कौन कौन से आंसरों के दिए गए हैं आप यहाँ पर आंसर ही मिला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऊपर, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर, ठीक है, पहले यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन का क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन मिला लीजिए, फिर उसके नीचे आपको आंसर नोट डाउन करना है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पेपर ये रहा फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां, ठीक है फ्रेंड। 12वें में पूछा है, 12वें में हमें क्या करना है, NE7, मतलब इनमें से कोई सात के ही आंसर करने हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, उनके नीचे आपको इनके आंसर मिलेंगे, तो क्वेश्चन आप यहाँ से मिलाते चलना इस पेपर में से अपने से, और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लेना आंसर, ठीक है फ्रेंड। इनमें से केवल सात ही क्वेश्चनों का आंसर करना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए आपके, ये रहे इसके सल्यूशन, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से। तो पहला क्या है आपका फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, तो आपको कहाँ से करना है, ये रहा फ्रेंड यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, सी वाज अ स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है फ्रेंड, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हु वाज स्वामी अरबसु, तो ही वाज अ मॉन्क, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स ऑफ द फार्म, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें है देवर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ठीक है फ्रेंड, ये अगले वाले क्वेश्चन का आंसर है।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, ये उसका ही आंसर है आपका, देख लीजिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत, ठीक है, ये आपके उसके क्वेश्चन का आंसर है, घासी वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ, ठीक है फ्रेंड, ये उस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय अ सेफ रिमार्क, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है फ्रेंड। ये रहा आपका लास्ट यहाँ से फ्रेंड, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे उसमें से पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अभी अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका फ्रेंड, देख लेना उसमें, या तो आपका ऊपर वाला ही होगा या अथवा का क्वेश्चन होगा, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, इसके वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, आप पहले क्वेश्चन बना लेना फिर उसके बाद ये आंसर लिखना। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये आ गए आपके वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपके थोड़े इधर उधर हो गए होंगे, आप क्वेश्चन बना लेना पहले फिर उसके बाद ये आंसर लिखना। व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, ठीक है फ्रेंड, इसके बाद व्हाट अकाउंट्स फॉर, ये वाला है, और ये विच इज द, ठीक है, वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल हियर इट इज सिचुएटेड, ऐसा आंसर होगा उसमें, क्वेश्चन होगा, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं, ये तीन क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक और होगा इसका, ये रहा आपका फ्रेंड वर्क बुक में आपको चार क्वेश्चनों के आंसर ही करने थे, तो ये रहे आपके चारों के आंसर। अब रहा आपका लास्ट में क्वेश्चन फ्रेंड, गीता वाला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका गीता वाला क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वाले का, ठीक है फ्रेंड। पेपर से आप मिलाते चलना क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नंबर उसी में देखकर आप डाल के लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन था आपका, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।